नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रतिका। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए लगातार केंद्र सरकार कोई ना कोई फैसला लेती हुई नज़र आ रही है और वही एक बार फिर से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं MBBS और BDS कर रहे हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक रिज़र्व कोटा निकाला है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस चीज़ के लिए अगर मैं आपको कहूँ जम्मू कश्मीर के हालात, तो जम्मू कश्मीर के हालात से हर इंसान वाकिफ़ है। जम्मू कश्मीर हमेशा एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है और पूरे देश के लिए रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे देश के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। और ऐसे में यहाँ पर लगातार जैसे टेररिस्ट अटैक होते हैं और टेररिस्ट अटैक में बहुत से लोग मारे भी जाते हैं और उनमें कोई बाहरी राज्य का होता है और कोई लोकल ही मारा जाता है, तो ऐसे में जितने स्टूडेंट्स होते हैं अगर कोई वो ऑर्फन हो जाते हैं यानी कि उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का सहारा नहीं रहता है, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्होंने MBBS करनी है BDS करनी है इसमें कितना फैमिली बैकग्राउंड चाहिए होता है, इसमें कितनी मेहनत करनी होती है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उस चीज़ को लेकर अब सरकार ने एक नया फैसला निकाला है और आज के दिन केंद्र सरकार ने उन्हें एक नया तोहफा दिया है। दरअसल मैं आपको ये पूरी जानकारी देते हुए बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं यानी उनकी जान चली गई है, उनकी हत्या हो गई है, अगर उनके बच्चे आगे चाहते हैं कि उन्हें MBBS करना है या BDS करना है उस चीज़ के लिए सरकार ने उनके लिए अब एक रिज़र्व कोटा बनाया है। जैसे SC ST OBCs के लिए एक अलग से कोटा होता है वैसे ही इन स्टूडेंट्स के लिए एक रिज़र्व कोटा बनाया है। हालांकि इसको लेकर कुछ बातें भी सामने रखी गई हैं, उसमें जो कुछ है वो मैं आप सबके सामने रख दूं कि उन्होंने कहा है कि अगर ये कोटा लेना है तो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है और उसके बाद वो सेपरेटली अपने इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने इस में अप्लाई किया है और उन सभी स्टूडेंट्स के मेरिट को चेक किया जाएगा और मेरिट चेक करने के बाद ही जो है जो उन्हें सूटेबल लगेंगे उन सभी को आगे क्लियर किया जाएगा और आगे उनकी रिज़र्व कैटेगरी जो रिज़र्व कोटा है उनमें उन्हें पढ़ने की या अप्लाई करने के बाद उन्हें जो फ़ायदे मिलने हैं उस चीज़ को लेकर उन्हें एनरोल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात यही रहती है कि ऐसे बहुत से अभी भी बच्चे हैं जो टेररिस्ट विक्टिम हैं या ऑर्फन हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं, वो अभी इस साल भी पढ़ रहे हैं, तो क्या इस साल वो किस तरीके से जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आपको मैं बता दूँ, अगर जो MBBS या BDS कर रहे हैं उनके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर है तो 11 नवंबर से ये जो रिज़र्व कैटेगरी कोटा निकाला गया है MBBS BDS स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑर्फन है, उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है टेररिस्ट अटैक में, तो वो 11 नवंबर से इसे बिगिन किया जा रहा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर रहेंगी, जैसे हम कभी भी किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहते हैं, तो इसमें सबसे पहला यही रहेगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ UT जम्मू एंड कश्मीर, यानी अगर हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो हमारे पास डोमिसाइल होता है जो कि ये आइडेंटिटी प्रूफ करवाता है कि हम जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं। तो आपके पास सबसे पहला डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद नीट स्कोर 2022 आपके पास होना चाहिए, उसका कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है। और इसमें ये भी सामने रखा गया है कि कितने के लिए जो है कितने परसेंट मार्क्स वाले पास होंगे। हालांकि जो बात सामने रखी गई है मिनिमम नीट 2022 में 50% चाहिए, जबकि जो कैटेगरीज रहती हैं SCs हो गया, ST's हो गया, OBC's हो गया, उनके लिए 40% रखा गया है, जबकि जो डिसेबिलिटी वाले हैं यानी कि कईयों लोगों को एक नेचुरली बॉर्न प्रॉब्लम होती है, कोई हैंडीकैप हो गया, उनके लिए परसेंटेज को रखा गया है 45। तो यानी कि ये कुछ तोहफा जो है वो जम्मू कश्मीर के जितने MBBS या BDS करने के सपने देख रहे हैं लेकिन पेरेंट्स का सहारा नहीं है, टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं, उस चीज़ को लेकर अब सरकार एक कड़ा कदम उठा रही है और उन लोगों के लिए एक सहायता बनकर सामने आई है। और केंद्र सरकार ने आज ही ये फैसला निकाला है
जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। तो फिलहाल पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। हालांकि जैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक डोमिसाइल होगा और आप लोगों के पास बाकी बर्थ सर्टिफिकेट होगा जिसमें पता लग पाएगा कि आप यहीं के बॉर्न हैं, और इसके एलिजिबल भी वही रहेंगे जो कि टेरिस अटैक में जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, यानी कि उनकी हत्या की गई थी, वो एलिजिबल रहेंगे। जम्मू कश्मीर के ही लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, बाहर के राज्य के लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये सपना देखा है लेकिन कोई सहारा नहीं मिल रहा, उस चीज़ को लेकर अब सरकार ने एक फैसला लिया है जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुँच जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।